गाड़ी में जो हम लोग बैठते हैं तो मोस्टली हम लोग पहले चाबी लगा देते हैं गाड़ी में, गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं और फिर सीट बेल्ट की तरफ बड़ा ध्यान जाता है, लेकिन ये गलत है। हमें गाड़ी में बैठने से पहले, गाड़ी पे बैठने के बाद सबसे पहले अपना सीट बेल्ट पे ध्यान जाना है। हम सीट बेल्ट के प्लग को पकड़ेंगे, फिर दाहिने हाथ से यहाँ पकड़ेंगे और दाहिने हाथ से ही इसको खींचते हुए हम अपने प्लग में इसको इंटर करके, और ये यहाँ कट की आवाज़ आती है। अगर कट की आवाज़ आ गई तो इसका मतलब हमारा सीट बेल्ट अच्छे से प्रॉपर तरीके से प्लग हो गया है। फिर इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा सीट बेल्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। इस पर ध्यान देने वाली बातें हैं, मोस्टली हम लोग क्या देखते हैं कि जल्दबाजी में कुछ लोग सीट बेल्ट ऐसे पहन लेते हैं, इधर से लगा लेते हैं, या दोनों को खींच के यहाँ ऐसे हाथ से फंसा लेते हैं। ये दोनों ही तरीका गलत है। हमें सीट बेल्ट हमेशा इसी पोजीशन में रहना है जो हमारे दाहिने शोल्डर को कवर करेगा, और दूसरा नीचे वाला बेल्ट हमारे कमर से ग्रिप करता है। सीट बेल्ट का मुख्य काम जो हम लोग देखते हैं तो हमारे बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए सीट बेल्ट होता है। जैसे ही हम गाड़ी अचानक से ब्रेक लेंगे या टर्न लेते हैं तो सीट बेल्ट का जो मैकेनिज्म है वो, जब हम सीट बेल्ट को अचानक खींचेंगे तो लॉक हो जाएगा। देखिए इस तरह मैंने अचानक खींचा है, लॉक हो गया, लेकिन इसी सीट बेल्ट को जब आराम से खींचेंगे पूरी सीट बेल्ट बाहर आ जाएगी। ये इसका मैकेनिज्म है, जैसे ही हमारे बॉडी को झटका लगेगा सीट बेल्ट लॉक हो जाएगा। ये इसका काम, मुख्य काम है हमारे शरीर को बैलेंस देना। ड्राइवर जो भी गाड़ी चला रहा है उसको बैलेंस देता है कि हमारा बॉडी लेफ्ट राइट आगे पीछे ना हो, इसको ये रोकता है। दूसरा इसका मुख्य काम है, अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए हैं तो इसका सेंसर जो लगा होता है इससे कनेक्ट होता है, वो काम नहीं करता है और हमारा एयर बैग नहीं खुलता है। अगर हमारा एयर बैग नहीं खुलेगा तो हमारे शरीर का सीधा इम्पैक्ट ड्राइवर का आएगा स्टेयरिंग पे या डैशबोर्ड पे जो को पैसेंजर है। एयर बैग ना खुलने से मोस्टली एक्सीडेंट में हमारा बोन टूट जाते हैं, मुंह फ्रैक्चर हो जाता है। या सीट बेल्ट के बारे में एक चीज़ मुख्य रूप से बताना है, अक्सर हम लोग जब गाड़ी चेक करते हैं या रोकते हैं तो पैसेंजर या ड्राइवर हमसे कहता है सर जस्ट अभी पास से आ रहा था, अभी सीट बेल्ट लगा लूँगा। तो वो क्या करते हैं, हाईवे पे या रोड पे चलते हुए सीट बेल्ट लगाते हैं। जब चलते हुए सीट बेल्ट लगाते हैं, मैं उसका डेमो देना चाहूँगा। जस्ट लाइक गाड़ी चल रही है और मुझे सीट बेल्ट लगाना है तो मैं इस हाथ से इसको खींचूंगा और ये हाथ तुरंत हमारा इंगेज हो रहा है और फिर छोड़ता हूँ, तब जाके मेरा सीट बेल्ट लग पाएगा, और वो एक हाथ से सही से सीट बेल्ट नहीं लग पाता। तो हमारा स्टेयरिंग पे पकड़ दो बार छूटी, एक तो हमारा लेफ्ट हैंड छूटा, फिर हम जब क्रॉस कर रहे हैं सीट बेल्ट को तो हमारा राइट हैंड भी छूटा। ये बहुत ही खतरनाक पोजीशन होता है, इसमें गाड़ी डिसबैलेंस होती है, जो कि कभी भी किसी भी ड्राइवर को नहीं करना चाहिए। अगर वो अपना सीट बेल्ट लगाना भूल गया है तो गाड़ी को साइड लगाए, सुरक्षित जगह पर खड़ा करे, उसके बाद पुनः अपना सीट बेल्ट इस तरीके से लगाए और चेक कर ले कि उसका सीट बेल्ट प्रॉपर तरीके से लग गया या नहीं लगा। पीछे के पैसेंजर के लिए भी सीट बेल्ट दिया होता है। मोस्टली लोग नहीं जानते हैं सीट बेल्ट के बारे में कि पीछे के पैसेंजर भी सीट बेल्ट लगाते हैं। ड्राइवर को अचानक ब्रेक लेना पड़े तो पीछे का पैसेंजर झटके से आगे की तरफ आता है और जो आगे का पैसेंजर बैठा हुआ है उसका हेड इंजरी होता है, आपस में दोनों के सर टकरा जाते हैं, और हेड इंजरी सबसे खतरनाक होता है एक्सीडेंट में।